हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, हल्दी से तैयार होने वाला एक ऐसा फेस पैक बता रही हूँ आपको बनाना, कि आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो चेहरा आपका चमकने से कोई नहीं रोक सकता, चेहरा हमेशा आपका चमकेगा। क्योंकि हम जब शादियाँ होती है तभी हल्दी का ऑप्शन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे स्किन हमारी ब्राइटन हो जाती है, वाइटन हो जाती है, और स्किन की सारी ही जो भी कालापन है वो सब हट जाता है, और स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो करती है। तो ऑब्वियसली हल्दी का जो पैक बना रहे हैं उसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन ये पैक अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए भी लगा लेते हो ना, तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी। क्योंकि हल्दी की प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की होती है। तो जी, सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर हर लड़की के पास ज़्यादातर होता है, अगर नहीं है तो किसी भी आपको ब्यूटी स्टोर से बहुत ईजिली मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। सैंडलवुड पाउडर आपकी स्किन को यंग एंड जवान बनाने के साथ साथ बिल्कुल तरोताज़ा बनाता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जो कि इस फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने कस्तूरी हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। तो इसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके इसमें रोज़ वाटर डालेंगे और इसका एक थिन सा हम पेस्ट बना लेंगे। रोज़ वाटर आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और स्किन की प्रॉब्लम्स तो दूर करता ही है, ये एजिंग साइंस को भी दूर करता है, और साथ ही आपकी स्किन को नरिश बनाता है, स्किन पर ग्लो आ जाता है अगर आप रोज़ वाटर रोज़ाना यूज़ करते हो। हल्दी, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली ले सकते हो, या तो फिर आप कच्ची हल्दी ले लीजिए, या सूखी हुई हल्दी जो मार्केट में आती है वो ले लीजिए, उसको पीस कर पाउडर बनाइए और फेस पैक के लिए वही यूज़ कीजिए। आप अलग से रख लीजिए उसको और उसको यूज़ कर लीजिए। तो एक इसका एक थिन सा आप पेस्ट बना लीजिए रोज़ वाटर ऐड करके। अब हम इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करेंगे, वो है ग्लिसिन, क्योंकि भाई सर्दियों का फेस पैक बना रहे हैं तो ग्लिसिन मस्ट है। अगर आप गर्मियों में ये फेस पैक यूज़ करोगे तो आप इसमें ग्लिसिन की जगह लेमन जूस ऐड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लेमन को आप देख कर ही यूज़ करें, अगर स्किन पर सूट नहीं करता तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये फेस पैक आपको रात को सोने से पहले ही यूज़ करना है, और यूज़ करने का तरीका इसका बिल्कुल थोड़ा सा मतलब अलग है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप रोज़ वाटर लेंगे और एक कॉटन के ऊपर अच्छे से रोज़ वाटर लगा लेंगे। फेस को वॉश करने के बाद, पोंछने के बाद रोज़ वाटर इस तरह से आप अपने फेस पर लगाओगे, और इससे आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करोगे। पूरी स्किन पर, पूरे फेस पर, गर्दन पर रोज़ वाटर लग जाना चाहिए। उसके बाद ये जो कॉटन आपने लिया है, इसी कॉटन की हेल्प से आप ये वाला फेस पैक अपने पूरे फेस पर लगाओगे। कोई रब करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऐसा नहीं है कि इससे स्क्रब करना है, इसको सिर्फ कॉटन से आप इस तरह से लगा लीजिए, अपने पूरे फेस पर लगाइए, अपनी गर्दन पर लगाइए, और इसको लगाने के बाद आप सूखने तक छोड़ दीजिए। अगर ये 10 मिनट में भी सूख जाता है ना, तो भी इसको आप 15 से 20 मिनट तो रख ही लीजिए। 15-20 मिनट रखने के बाद इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। जैसे कि अभी सर्दियां हैं, नॉर्मल पानी यूज़ नहीं कर सकते हो, या ठंडा पानी, ठंडा लगता है नॉर्मल पानी भी, तो आप हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को वॉश करिए, और उसके बाद जो ग्लो देखोगे आप हैरान रह जाओगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करते ही आपका चेहरा बिल्कुल ब्राइटन हो जाएगा, और चेहरे को रगड़ कर कभी नहीं पोंछना, हल्के हाथ से इस तरह से आपको पोंछना है। रात को ही यूज़ कीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा असर दिखेगा इस पैक का। इस पैक का क्या, हर किसी पैक का जिस अगर आप रात को सोने से पहले यूज़ करते हो तो ज़्यादा असर दिखता है। और मेरा एक हाथ कितना ज़्यादा ब्राइट है और एक थोड़ा सा डल है, आप देख रहे होंगे। एक वन टाइम यूज़ में ही मैंने प्रॉपर पूरा 20 मिनट नहीं लगाया, सिर्फ इसको 5 मिनट लगाया और आपको लगा कर दिखाया। बहुत इफ़ेक्टिव पैक है, इसको यूज़ कीजिए। क्योंकि इस पैक के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं सभी अपनी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती हैं, और ये आपके पिंपल को भी ठीक करेंगी, एक्ने को भी ठीक करेंगी, किसी भी तरह की एलर्जी को ठीक कर सकती हैं। आपके हर तरह के दाग धब्बे इससे चेहरे के ठीक हो जाएंगे, टैनिंग दूर हो जाएगी, आपकी एंटी एजिंग मतलब एजिंग साइन जो भी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये एंटी एजिंग एक पैक का भी ये काम करेगा, तो स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट